मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे के करीब 5 घंटे बाद मृतकों की शिनाख्त हो पाई है। इस हादसे में 5 लोग के मारे जाने की खबर है। बताया जाता है यह हादसा उस समय हुआ जब बस ने डिवाइडर में भीषण टक्कर मार दी। बस के डिवाइडर में टकराते ही पीछे से आ रही एक कार भी बस में घुस गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा वीडियो मथुरा से गुजरे यमुना एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बस पूरी तरह से आग से झुलस चुकी है और कार से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल रही हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस भीषण हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घायलों के उपचार के तत्काल इंतजाम के निर्देश भी दे दिए गए हैं। यह घटना मथुरा के थाना महावन क्षेत्र माइलस्टोन 116 पर हुई है। बताया जाता है आगरा की ओर से नोएडा जा रही प्राइवेट वाल्वो बस का पहिया अचानक पंचर हो गया। इससे बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसी बीच पीछे से आ रही एक स्विफ्ट कार उसमें जा लड़ी। देखते ही देखते दोनों वाहनों में आग लग गई और यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। जब तक दमकल कर्मी पहुंचते तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। बताया जाता है घटना के बाद बस पर सवार यात्री तो जैसे तैसे सुरक्षित निकाल लिए गए, लेकिन कार सवार 5 यात्री उसी में जिंदा जल गए। बताया जाता है हादसे में मृत एक युवक अंशुमान यादव शिकोहाबाद शंभुनगर का निवासी था। वह नोएडा में रिलायंस कंपनी में काम करता था। रविवार रात को वह घर से अकेला ही निकला था। उसके साथ मरने वाले 4 साथी कंपनी के ही बताए जा रहे हैं। मामले में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने क्या बताया उसे भी सुनिए। ये थाना महावन क्षेत्र में आगरा नोएडा पटरी पे माइलस्टोन 117 के पास आज मॉर्निंग में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बस और स्विफ्ट गाड़ी के बीच में टक्कर हुई है। अभी तक की जांच में ये बताया जा रहा है कि संभवतः जो आगे जो बस चल रही थी उसका टायर फटा और उसका संतुलन बिगड़ा और वो टर्न कर गई और पीछे से जो स्विफ्ट गाड़ी आ रही थी उससे उसकी टक्कर हुई और तत्काल दोनों गाड़ियों में आग लग गई। बस में जो लोग सवार थे वो सुरक्षित निकल गए, परंतु गाड़ी में काफ़ी तेजी और तेजी से आग लगी थी, तो उसके अंदर जो लोग थे वो झुलस गए हैं। बताया जा रहा 5 लोग जो है अंदर झुलसे हैं। अभी एक व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन इसमें हुआ है, उसके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और कौन कौन लोग इसमें थे इसके बारे में जानकारी की जा रही है। तत्काल पुलिस टीम, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंच गई थी राहत और बचाव हेतु, और जो बस के जितने ऑक्यूपेंट थे वो सभी सुरक्षित यहां से प्रस्थान कराए जा चुके हैं। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है।